हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज 5 सितंबर है, मतलब आज शिक्षक दिवस है ना, जो कि राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, जो कि हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं, और इनकी याद में आज शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग मुझे ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आज की यदि हम लेक्चर की बात करें तो आज हमने साइंस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है, और उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज़। जैसे कार का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर है जूल। ठीक है, इसका यदि हम एसआई पद्धति में मात्रक देखें, सॉरी सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें, तो उसका अर्ग होता है, और एसआई पद्धति में जूल होता है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, तो जैसे कि आप लोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो कि बहुत लंबी होती है और इसे किलोमीटर में नापना असंभव है, इसीलिए उनकी बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में ना प्रकाश द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं, और इसका एक इसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू ना एक लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10^15 मीटर। ठीक है, और जब पारसेक की बात करें हम, तो पारसेक भी सबसे बड़ा जो मात्रक होता है दूरी का। ठीक है, यदि हम बात करें कौन सा समय का मात्रक नहीं है, जैसे अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक है। अधिवर्ष, चंद्रमा, ये जो है वो समय का मात्रक कहलाएंगे। नेक्स्ट यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, जो कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, बल्कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि डायनेमो जो ऊर्जा का एक रूप है, नहीं ऊर्जा एक उपकरण है जो कि ऊर्जा के रूप को परिवर्तित करता है, तो ये इसका आंसर होगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।